दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपी में टीजीटी पीजीटी की बम्पर भर्ती आई हुई है, हर सब्जेक्ट के लिए आया हुआ है और मॉक टेस्ट भी लगातार चल रहा है। और दो मॉक टेस्ट मैं दे चुका हूँ, वह यूपी पीजीटी हिस्ट्री का है और साथ ही साथ एसएसटी के लिए भी उपयोगी है। आज मैं मॉक टेस्ट जो देने जा रहा हूँ, शुरुआत करने जा रहा हूँ, वह है इकोनॉमी का मॉक टेस्ट। इकोनॉमी का मॉक टेस्ट है और इंडियन इकोनॉमी का यह मॉक टेस्ट है और लगातार मॉक टेस्ट मिलते रहेंगे। यह फर्स्ट पहला मॉक टेस्ट है और लगातार मॉक टेस्ट मिलते रहेंगे जो पीजीटी इकोनॉमी के लिए और साथ ही साथ एसएसटी टीजीटी के लिए, दोनों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। तो आज पहला मॉक टेस्ट है और ये हमारे द्वारा जो भी मॉक टेस्ट कराए जा रहे हैं, जो भी प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं, ये सभी एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न हैं। परीक्षा होने तक लगातार इसे फॉलो करते रहिएगा दोस्तों। आइए शुरुआत करते हैं। एक बात और कहना चाहूँगा आप सभी लोगों से, जो लोग यूपी टीजीटी पीजीटी का फॉर्म डाले हुए हैं, आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, चाहे आपका एसएसटी टीजीटी हो या फिर पीजीटी में कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, अगर आप किसी भी तरह की कोई भी मटेरियल चाहते हैं किसी भी परीक्षा के लिए, तो आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। हम आप लोग को टीजीटी पीजीटी का संपूर्ण सारगर्भित रामबाण मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे। ऐसा रामबाण मटेरियल कि आप लोग उसे फॉलो करेंगे परीक्षा होने तक तो सफलता शत प्रतिशत मिलेगी। पूरा का पूरा हैंड रिटन नोट्स, कंप्यूटराइज नोट्स, टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन बैंक सभी मिलेंगे आप लोग को। परीक्षा होने तक लगातार इसे फॉलो करते रहिएगा और बहुत ही अच्छा बेहतरीन मटेरियल आप लोग को मिल जाएगा। टीजीटी पीजीटी का हर सब्जेक्ट का मटेरियल मिलेगा। और आप लोग जो भी लोग मटेरियल लेना चाहते हैं, आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिएगा। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दर्ज है, साथ ही साथ ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर भी आप लोग को शो कर रहा है। तो आज इंडियन इकोनॉमी का पहला मॉक टेस्ट है, आइए शुरुआत करते हैं और बताइए इसमें कौन सा विकल्प सही है। वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए निम्न में से कौन सा कारक आवश्यक है? भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी या मानव पूंजी? तो कौन सा श्रम आवश्यक है तो बताइए। तो देखिए, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए निम्न में से कौन सा कारक आवश्यक है? तो देखिए, इसमें भूमि भी होगा, भूमि भी आवश्यक है, श्रम भी आवश्यक है, भौतिक पूंजी भी आवश्यक है और मानव पूंजी भी आवश्यक है। चार के चारों कारक सही हैं। तो कौन सा विकल्प सही है? देखिए, ऑप्शन देख लीजिए। तो उपरोक्त सभी विकल्प डी, उपरोक्त सभी। दूसरा प्रश्न देखिएगा, इसकी व्याख्या देखिएगा। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए चार कारक आवश्यक है। पहली आवश्यकता है भूमि और तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, वन, खनिज आदि। दूसरी आवश्यकता है श्रम, अर्थात जो लोग काम करेंगे कुछ उत्पादन क्रियाओं में, जरूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की जरूरत होती है। तो दूसरी क्रियाओं को करने के लिए शारीरिक श्रम करने वाले श्रमिक की। तीसरी आवश्यकता है भौतिक पूंजी की, अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत। चौथे स्थान पर आपको स्वयं उपभोग हेतु या बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी, जिसे मानव पूंजी कहेंगे। तो यह है पूरा का पूरा, और व्याख्या में आपको बहुत कुछ चीज़ें स्पष्ट कर दी जाती हैं। दूसरा प्रश्न देखिएगा, उत्पादन के कारक से संबंधित भौतिक पूंजी के अंतर्गत नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। तो कथनों पर विचार करना है, भौतिक पूंजी के अंतर्गत नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। तो भौतिक पूंजी के अंतर्गत केवल दो मदें आती हैं, एक है अस्थाई पूंजी और दूसरा है क्रियाशील पूंजी। एक है अस्थाई पूंजी और दूसरा है क्रियाशील पूंजी। दूसरा देखिएगा, भौतिक पूंजी के अंतर्गत औजारों, मशीन और भवन को क्रियाशील पूंजी कहते हैं। औजार, मशीन और भवन को कार्यशील पूंजी कहते हैं। तो यह विकल्प तो गलत है। तीसरा देखिएगा, भौतिक पूंजी के अंतर्गत कच्चा माल और नकद मुद्रा को अस्थाई पूंजी कहते हैं। भौतिक पूंजी के अंतर्गत कच्चा माल और नकद मुद्रा को अस्थाई पूंजी कहते हैं, यह भी गलत है। तो इसमें केवल विकल्प वन जो है वही सही है। भौतिक पूंजी के अंतर्गत केवल दो मदें आती हैं, अस्थाई पूंजी और क्रियाशील पूंजी। बाकी जो दूसरा और तीसरा है वह गलत है। देखिए, भौतिक पूंजी के अंतर्गत दो मद होते हैं, एक अस्थाई पूंजी, क्रियाशील पूंजी। तो अस्थाई पूंजी में क्या आएगा? औजार, मशीन, भवन आदि जो होंगे वह जो हमेशा अस्थाई रहते हैं वह अस्थाई पूंजी के अंतर्गत आएंगे। जबकि क्रियाशील पूंजी के अंतर्गत जो आएगा वह है नकद मुद्रा और कच्चा माल जो है क्रियाशील पूंजी के अंतर्गत आएगा। तो केवल विकल्प एक जो होगा वही सही होगा, मतलब केवल वन, विकल्प सी। इसकी व्याख्या देखिएगा, केवल वन सही है। भौतिक पूंजी उत्पादन का एक महत्वपूर्ण कारक है। भौतिक पूंजी के अंतर्गत केवल दो मदें आती हैं, अस्थाई पूंजी और क्रियाशील पूंजी। औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है, इसलिए इसे अस्थाई पूंजी कहा जाता है। जबकि उत्पादन के दौरान कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है तथा इस कच्चे एवं जरूरी माल खरीदने और उसका भुगतान करने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है। अतः कच्चे माल और नकद पैसे को कार्यशील पूंजी कहते हैं।
अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 3 देखिएगा, भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो हुई थी 1960 के दशक के अंत में हुई थी, 1960 के दशक के अंत में हुई थी। हरित क्रांति के दौरान देखिए आमतौर पर हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी 1967 में हुई थी, तो देखिए दूसरा देखिएगा, हरित क्रांति के दौरान किसानों ने अधिक उपज वाले बीजों का प्रयोग किया था, तो देखिए इसमें दोनों जो है, और तीसरा देखिएगा, हरित क्रांति के दौरान गेहूं और चावल की खेती पर अधिक जोर दिया गया, तो 1, 2, 3 तीनों सही है, तीनों जो है सही है, तो विकल्प होगा उपरोक्त सभी, विकल्प डी। इसकी व्याख्या देखिएगा, 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज देने वाले बीजों के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए गए थे। हरित क्रांति का मुख्य प्रभाव गेहूं और धान की खेती पर दिखाई पड़ा। देखिए हरित क्रांति का जो प्रभाव पड़ा था गेहूं और धान की खेती पर दिखाई पड़ा है, हरित क्रांति का प्रभाव। परंपरागत बीज की तुलना में HIV बीजों से एक ही पौधे से ज़्यादा मात्रा में अनाज पैदा होने की आशा थी, जिसके परिणामस्वरूप जमीन के उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगी। यद्यपि अति उपज प्रजातियों वाले बीजों से अधिक उपज पाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी और रासायनिक खाद और कीटनाशकों की जरूरत होती थी। इसकी व्याख्या, प्रश्न नंबर 4 देखिएगा, भारत के किन किन क्षेत्रों में हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से था, बताइए। 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने, हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से किन किन क्षेत्रों पर पड़ा था, तो हरित क्रांति का जो प्रभाव पड़ा था वह विकल्प सी है, पंजाब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर हरित क्रांति का विशेष प्रभाव पड़ा था, पंजाब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इसकी व्याख्या देखिएगा, भारत के संदर्भ में 1966-67 की नई कृषि नीति जिसे हम हरित क्रांति के नाम से जानते हैं का प्रभाव संपूर्ण भारत में न होकर पंजाब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे सीमित क्षेत्रों में रहा। यहाँ के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कुल 4 प्रश्न थे और इस मॉक टेस्ट में, और यह देखिए चारों प्रश्न जो हैं यह NCERT बेस पे हैं और लगातार इस तरह से मॉक टेस्ट मिलते रहेंगे। तो यह इकोनॉमी का पहला मॉक टेस्ट है जो इकोनॉमी PGT के लिए, साथ ही साथ SST TGT के लिए दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और यह UP की दृष्टि से तैयार किया जा रहा है मॉक टेस्ट, लेकिन अन्य परीक्षाओं के लिए भी यह उपयोगी है, किसी भी परीक्षा के लिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी मटेरियल चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक है, ज्वाइन कर लेंगे तो कुछ मटेरियल आपको टेलीग्राम पर भी मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा दोस्तों, धन्यवाद आप लोग को।